स्टाइलिंग वैसी ही है फ्रॉम द साइड इज नो रियल डिफरेंस अब इसमें 16 इंच के टायर्स आते हैं देखिए टायर्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खास करके इलेक्ट्रिक कार के लिए क्योंकि इससे आपका रेंज डिपेंड करता है अब मान लो आपको ग्रिप नहीं मिलती है देन इन दैट केस आपकी परफॉर्मेंस तो इफेक्ट हो ही जाती है साथ में कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड आपको पता है क्या इलेक्ट्रिक कार में एक्चुअली डेडिकेटेड रेंज ऑफ टायर्स आते हैं जैसे आ, पंच में आपके लिए दिया गया अपोलो एम्पेरियन टायर्स अब इसका फायदा क्या है एक तो इलेक्ट्रिक कार का वेट ज्यादा रहता है तो उसे ज्यादा बेहतर बैलेंस कर पाते हैं सेकेंड आपको पांच परसेंट ज्यादा बेहतर रेंज मिलता है काफी सारे ऑटोमेकर्स आपको कॉस्ट कट करके रेगुलर टायर्स देते हैं सो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार ले रहे यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर अ डेडिकेटेड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक टायर्स इनफैक्ट आप चेंज करवा दीजिए अगर आप वो यूज नहीं करें अब पंच में जो है ना वन नाइनटी एम का ग्राउंड क्लियरेंस आता है एंड ईवी की बैजिंग भी यहां दे दी गई है एंड एज वी मूव अप तो मिरर में भी आपके पास कैमरा दिया गया ड्यूल टोन ऑप्शन आता है इस गाड़ी में सो ब्लैक एंड रूफ रेल्स भी यहाँ आ जाते हैं इसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं किया गया गाड़ी के एंड जो डोर हैंडल है वो यहाँ पीछे कुछ इस टाइप का ही दिया हुआ है तो पंच का एवरी एल्स कंटिन्यूज इन द वे इट वॉज ओके सो शार्कफिन एंटेना है एट द बैक एंड अगर हम इसे फुल वाइड में देखें ओवरऑल जो है कुछ ज्यादा डिफरेंशन नहीं द सेम सिर्फ पंच डॉट ईवी की बैजिंग आ गई है बस दैट्स अबाउट इट अदर देन दैट ये फुल पंच की ही स्टाइलिंग है पीछे वाइपर है यू गेट यू नो एवरीथिंग एल्स इज एक्सैक्टली पे कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किए गए अब बूट दिखाते हैं आपको बूट खोल देते हैं यहाँ पे तीन सौ उन्नीस तीन सौ बीस लीटर की स्पेस है अप्रोक्सीमेटली एंड Um, सामान काफी इजीली बैठ गया हमारा यहाँ पे एज यू कैन सी सो दैट्स व्हाट इट ऑफर्स एट द मोमेंट ये दूमेंट बहुत बार की लेट्स गेट द अब अंदर आते हैं यहाँ पे डोर जो है नाइंटी डिग्रीज खुल जाता है टू गेट इन एंड आउट मच मोर इजी इन द कार ओके तो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं ओवरऑल इंटीरियर वही है जो पंच में था इन टर्म्स ऑफ स्पेस तो इस वजह से यहाँ तीन लोगों का बैठना थोड़ा टाइट हो सकता है ओवरऑल दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है यहाँ पे तीसरा हेडरेस्ट नहीं दिया गया है एवर यू ऑल्सो गेट एन आमरेस्ट डिसेंट एन इन साइज और ये आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो फॉर अ रोड ट्रिप ओवरऑल आपके पास नीरूम देख रहे हैं तो कुछ इतना है एंड हेडरूम देख लीजिए अब हेडरूम देख लीजिए दिस इज ऑल्सो डिसेंट एन जस्ट फॉर रेफरेंस मेरी हाइट छः फीट है सो so, ओवरऑल पीछे इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे पहले था अब एक चीज जो चेंज की उन्होंने इज द फैक्ट कि जो बीच में बैठने वाला पैसेंजर है उसके लिए पॉइंट सीट बेल्ट भी यहां दे दी गई है एंड अगर आप एसी वेंट्स की एरिया देखेंगे तो यह एम है बट वॉट यू गेट न्यू इज द फैक्ट कि यहाँ अब आमरेस्ट आ गया है जो पंच में पेट्रोल में नहीं आता है अदर थिंग टू स्टोर इज यू गेट स्टोरेज ओवर हियर और इसके डोर पैड में भी आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है अब अगर आप गाड़ी का पूरा uh, डैशबोर्ड देखना चाहोगे हैव एक्चुअली द कार सो अगर हम इसका इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे ब्लैक एंड आइवरी सॉर्ट ऑफ इंटीरियर दिया गया है लेट्स मूव ऑन टू ईच एंड एवरी एलिमेंट द कार ऑफर्स सो पहले uh, आपको बताते हैं अबाउट द

इल्यूमिनेशन uh, चेंज हो गया इसका अगर मैं गाड़ी बंद करता हूँ सो अगेन इट गोज ऑफ सो इट कैन बी स्विच ऑन ईजिल आपके पास लेफ्ट साइड पे ऑडियो कंट्रोल्स है ओके राइट साइड पे क्रूज कंट्रोल है एंड यू हैव द अदर कंट्रोल्स फॉर द मेन्यू वहां पे पीछे यहाँ पे यू गेट द पैडल शिफ्टर्स ऑन द कार यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्स आ जाते हैं देन वी मूव योर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिल जाते हैं स्क्रीन लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन सिस्टम दी गई है जो हमने दूसरी टाटा की गाड़ियों में भी एक्सपीरियंस की है मूड लाइटिंग भी है सो बेसिकली मूड कैसा है इसमें डॉट ईवी भी आता है बेसिकली नेटफ्लिक्स वगैरह आप सब इस पे देख सकते हैं अब यहाँ पे थ्री कैमरा भी आ जाती है सो टू डी थ्री डी दोनों अवेलेबल कराए गए हैं आपके लिए ओके okay, एंड नीचे लेट्स मूव ऑन टू दिलीमेंट ए सी वेंट्स दिए गए हैं दो ओके okay, एंड ये पूरा एलिमेंट जो है हमने पंच में भी देख चुके हैं इट्स क्वाइट सिमिलर नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस वन न्यू थिंग योर इज दिस टच पैनल तो अब आपके पास ए सी कंट्रोल जो है टच पैनल पे आ गए पूरे आईट शो यू वन मोर थिंग अगर मैं गाड़ी बंद करता हूँ ना द कार स्विच ऑफ उसी के बाद मैं एक्चुअली ये खोल सकता हूँ और जब ये ऑरेंज है दैट मीन्स द कार इज ओपन ऑन चार्जिंग मतलब बेसिकली उसका जो लिड है दैट इज ओपन राइट नाउ और जैसे ये बंद मैन्युअली बंद कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा वापस ओके लेट्स मूव टू अदर एलिमेंट्स यहां पे दिया गया है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड यू हैवे अस बी चार्जिंग पोर्ट एक ट्वेल्व वोल्ट चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ दिया गया ओके okay, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आ जाता है फॉर योर स्मार्टफोन उसके बाद यू ऑल्सो गेट दिस जूल जो टाटा मोटर्स जैसे कहते हैं इनफैक्ट हमने ई वी मैक्स में देखा था तो आप यहाँ पे भी दे दिया गया स्पोर्ट मोड है ईको मोड है पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है एंड देन ये जो आर्म रेस्ट है इसके नीचे अगर स्टोरेज में आपको देखाऊँ तो इट्स वेरी स्मॉल बहुत ज़्यादा जगह नहीं है लेट मी शो यू फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डीप नहीं है आपको यहां आ जाता है बट सीधिस यहां पे आपके पास फैब्रिक एलिमेंट भी दिया गया है। ओके इसमें फ्रंट दोनों सीट जो है वेंटिलेटेड दी गई है एंड यू वॉट यू गेट इज ऑल्सो अफ ऑन द टॉप बाय द वे इस गाड़ी में आपको सेफ्टी फीचर्स काफी कुछ आ जाते हैं चेयर बैग प्लस सीबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल ई एस पी एंड लिस्ट पटी मच गोज ऑन अब सवाल ये आता है कि बैटरी कौन से कौन से है तो इसमें आपको दो बैटरी पैक्स आते हैं 25 किलोवाट आवर एंड 35 किलोवाट आवर बोथ आर एलएफबी बैटरीज uh, इसमें आपको जो दो मोटर्स आते हैं वो भी एक है समवेयर अबाउट 80 बीएचपी एंड द सेकंड इज अबाउट 120 बीएचपी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बैटरी का रेंज फर्स्ट वन इज क्लोज टू 315 सेकंड इज

उ इज इट डिफरेंट और इसमें कुछ बेटर है या नहीं लॉट मोर डिटेल्स इन दैट वीडियो सो अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की देख रहे हो हाईली रिकमेंड की आप चेकआउट कीजिए अपोलो के एम्पीरियन टायर्स बिकॉज दीज आर डेडिकेटेड रेंज ऑफ ईवी टाय लिंक छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन इट सेल्फ सो डू वेट फॉर अडियो एंड अगर आप अभी भी कंफ्यूज है यू आर नॉट श्योर विच कार टू बाय पेट्रोल यू डीजल यू इलेक्ट्रिक यू लाइक दिस कार कॉस्ट अबाउट 16 एंड हाफ 17 लैक्स ऑन रोड और ये सारे फीचर्स भी दे रही है इलेक्ट्रिक भी है सो शुड यू बाय दिस शुड यू बाय अ पेट्रोल कार सारे डाउट्स हम आपके क्लैरिफाई करेंगे आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए करना क्या चले जाइए मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश आर एफ एन कंसल्टेंसी वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एंड एक्सपर्ट है ना बहुत ही आसान काम तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइड नहीं किया है डू दैट राइट अवे मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल वीडियो गाइस टेक केयर बाय